प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश परावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। समुद्री तूफान यास के अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि आज सुबह 9 बजे से इसने लैंडफॉल करना शुरू किया बालासोर के दक्षिण में और धामरा पोर्ट के उत्तर में, यानी इन दोनों के बीच में 9 बजे के आसपास लैंडफॉल शुरू हुआ और लैंडफॉल की प्रक्रिया कम से कम 3 घंटे तक चली और 12 बजे होते होते जो लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो गई है आज। और उस समय जब ये लैंडफॉल कर रहा था तो हवाओं की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि जो पहले वेरी सीवियर साइक्लोन बना था ये कुछ देर के लिए रात के समय और अर्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद जैसे ही ये तट के पास पहुंचा तो थोड़ा सा कमजोर होकर के सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया। और इसीलिए जो विंड स्पीड पहले एस्टिमेट हो रहा था कि 160 से 170 किलोमीटर जाएगी तो थोड़ी सी कम रही, और गनीमत रही कि जैसा पिछले साल साइक्लोन अम्फन था उससे काफ़ी ज़्यादा कम था इसमें जो वेग था इसका। और दीघा के आसपास जो गंगे पश्चिम बंगाल है उस इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है, और उसी तरह से बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बारीपाड़ा, पारादीप, चांदवाली, इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली है। और लैंडफॉल के समय स्टॉर्म सर्ज भी काफ़ी ज़्यादा था। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है कि जो नॉर्मल आपने देखा होगा कि जो लहरें जितनी उठती है वो तो नॉर्मल हुई, और उसके ऊपर जब लैंडफॉल करता है कोई भी समुद्री तूफान तो कितनी ज़्यादा ऊंची, यानी नॉर्मल से भी ऊंची, तो 4 मीटर तक ऊंची गई है, यानी कि 12 फीट और ज़्यादा, पहले जो जितना होता है उससे ज़्यादा, तो कुल मिलाकर के 18 से 20 फीट ऊंची लहरें उठी थी जो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक गई हैं, यानी कि जो लो लाइंग एरिया थे वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन NDRF की टीमें तैयार थी, लोग सचेत थे, अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे, हमने भी बार बार आगाह किया था आपको। तो इससे अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो लोगों के जो जान नहीं गई है और केवल स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, संपत्ति को नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इसका वेग कम होगा वैसे वैसे असेसमेंट होगा तो पता लगेगा। तो आप देखिए इस चित्र के अनुसार कि ये अब अंदर है, यानी कि इस तरह से आगे आया था, इस जगह इसने लैंडफॉल किया एज अ सीवियर साइक्लोन, अब एज अ साइक्लोन ये उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है, और आज शाम या रात तक ये और अंदर जाके झारखंड के आसपास आके डीप डिप्रेशन बन जाएगा और कल सुबह तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा झारखंड में आगे बढ़ते हुए। तो अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो नुकसान हो रहा था हो गया, अब धीरे धीरे बारिश और हवा की रफ्तार कम होती जाएगी। गंगे पश्चिम बंगाल में खास करके कलकत्ता में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि भारी बारिश हुई है लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं इसलिए नुकसान उस इलाके को नहीं हुआ है। बांग्लादेश में बिल्कुल भी नुकसान ना के बराबर हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है वो केवल आंध्र प्रदेश में और दीघा के आसपास ही देखने को मिला है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि ये आगे जाएगा, और जब ये लैंडफॉल करता है तो जो मॉइस्चर फीड सोर्स, जैसे मैंने बोला था कि खुराक मिलती रहती है, मॉइस्चर मिलता रहा है बंगाल की खाड़ी से, वो अब कट ऑफ हो जाएगा। और जब ये अंदर जाता है तो हवाएं इस तरह से घूमती है, तो ये पश्चिम दिशा से जो शुष्क हवाएं आ रही हैं वो इस सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटों तक हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां अंदरूनी उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, किशनगढ़ वगैरह में और उसके आगे के इलाकों में, और गंगे पश्चिम बंगाल में हालांकि अब वर्षा का वेग कम हो जाएगा लेकिन झारखंड के लगभग सभी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। जैसे हमने बताया था कि चाईबासा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, लातेर, हजारीबाग, पलामू, लोहारडागा और जो खुंटी, इन सारे इलाकों में, पलामू वगैरह में बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी होगी। और उसके बाद ये आप देखिए कि ये इस तरह से रिकवर करेगा, तो कल जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वो बिहार के कई इलाकों में शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो चंपारण वगैरह है, सीतामढ़ी, ये सारे इलाके और जो उसके आसपास के इलाके हैं, इन सब इलाकों में, यानी कि गया, पटना और उसके जो पश्चिम में जितने भी इलाके हैं, यानी कि जो जिले पश्चिम में हैं और मध्य में हैं बिहार में, उनमें भारी बारिश होगी। लेकिन जो किशनगंज, सुपौल, कटरिया, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, इन सारे इलाकों में बारिश कम होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा, चंदौली और प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका कल है। और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी, पूर्वी जो जिले हैं जैसे कि रायपुर और रायगढ़, जसपुर,
बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, इन सारे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है और ये धीरे धीरे नेपाल की तरफ चला जाएगा। तो कुल मिलाकर खतरा अब खत्म हो गया है, लेकिन अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और ये जो तूफान है, अगर इसे हम ताऊते के साथ कंपेयर करें तो ताऊते काफी नीचे बना था, यानी कि भूमध्य रेखा के पास बना था और वहां से ऊपर आया था, यानी काफी लंबा सी ट्रेवल था, इसीलिए वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना। लेकिन ये जो साइक्लोन था, ये आपने देखा था कि ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना था, यानी कि मध्य बंगाल की खाड़ी में इस जगह बना था, और यहाँ से जब ये ट्रैवल किया तो ये 500-600 किलोमीटर का ट्रैवल था, इसीलिए इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया। और जैसे हमने आपको ट्रैक बताया था, लगभग वैसा ही रहा। ट्रैक ये था कि इस तरह से ये लैंडफॉल करेगा और उससे पहले वेरी सीवियर साइक्लोन होगा, जब 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, और लैंडफॉल करते समय ये सीवियर साइक्लोन होगा तो उस समय ये जैसे हमने लैंडफॉल के बाद की विंड स्पीड दी थी 110 से 120 और गस्टिंग में 130, लगभग उसी तरह की हवा इसमें देखी गई है। तो हमने जो बताया था लगभग वैसा ही हुआ है, और आगे भी ये आगे बढ़ते हुए डीजनरेट हो जाएगा। तो अब खतरा टल चुका है, इसके आगे अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।